हेलो वेलकम नमस्ते, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं स्क्रीन वाला। और आपके भाई ने कल एक दिन में दो फिल्में देखी है, फिर भी अपने टैलेंट का कोई घमंड नहीं है अपने को। वैसे भी अपन इंतजार कर रहे थे आर्टिकल 370 का। फिल्म देखी भी, उसका बड़ी मेहनत से रिव्यू भी किया, वीडियो भी डाली, वीडियो आप लोगों को पसंद भी आई, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेकिन फिर भी कई लोग बोल रहे थे भैया ये वीडियो तो डाल दी, क्रैक का रिव्यू कब आएगा। तो लो वो भी रात को निपटाए आए और उसका भी रिव्यू। लेकिन इससे पहले मैं बताऊं कि फिल्म में क्या है। जब हमने ट्रेलर का रिव्यू किया था ना क्रैक के, तो उस पर पता खुद किसका कमेंट आया था? विद्युत जामवाल भैया का। उस ट्रेलर में मैंने आपको बताया था कि क्यों मुझे विद्युत जामवाल से जलन है। इसके बावजूद विद्युत भाई ने हमारी ही वीडियो पर कमेंट किया कि यू आर अमेजिंग। थैंक यू विद्युत भाई, अगर हम अमेजिंग है तो हमसे 10x अमेजिंग तो आप भी हो, क्योंकि कल हमने आपको थिएटर के अंदर उड़ते हुए देखा, दौड़ते हुए देखा, साइकिल चलाते देखा, बाइक उड़ाते हुए देखा, और देखकर यही लगा कि ये आदमी ओलंपिक में जाकर हमारे देश के लिए मेडल जीतकर क्यों नहीं ला रहा है। रुको जरा, सबर करो विद्युत भाई। अगर आप फिर से ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं पर्सनली स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से आपके लिए बात करूंगा कि पेरिस ओलंपिक 2024 में आपको ढोल नगाड़ों के साथ भेजा जाए, आप एक दर्जन ओलंपिक मेडल तो ले ही आओगे। नहीं, लेकिन एक सेकंड विद्युत भाई, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं कि फिल्म के आखिरी फाइटिंग सीन में आपको शर्ट उतार के लड़ने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? सोचा था कि वीकेंड है, कल जाकर कम से कम 2 प्लेट छोले भटूरे निपटाऊंगा, लेकिन आपने अपनी बॉडी दिखाकर पहले ही मुझे गिल्ट ट्रिप पर भेज दिया है। रहा नहीं जाता। और अब तो मैं खाली आपसे नहीं, अर्जुन रामपाल से भी जलता हूँ, क्योंकि अच्छी बॉडी की नुमाइश तो उनने भी करी है। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? लेकिन फिल्म खाली बॉडी दिखाने के लिए नहीं चलती, उसको चलाने के लिए कहानी भी चाहिए होती है। और फिल्म की कहानी क्या है, आइए बात करते हैं। विद्युत जामवाल जो कि प्ले कर रहे हैं सिद्धार्थ दीक्षित का कैरेक्टर, वो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स करते हैं, बोले तो ऐसा खेल जिसमें जान का खतरा रहता है। ट्रेन के ऊपर चढ़कर उस पर कूदी मारना, बिल्डिंग की छत पर बाइक चलाना, वैसे वाले गेम, समझ गए आप? अब आपको लगेगा कि ये करने का मतलब क्या है। मतलब बिल्कुल है दोस्तों, मतलब बिल्कुल है। ऐसा करके विद्युत जाना चाहते हैं एक ऐसे गेम शो में जिसका नाम है मैदान, जिसको आप एक्सट्रीम स्पोर्ट्स का ओलंपिक मान सकते हो। वो अपनी ऑडिशन वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। मैदान को चला रहे हैं अर्जुन रामपाल, जिनके कैरेक्टर का नाम है देव। मैदान जीतने के लिए आपको 3 रेस जीतनी पड़ेगी, और अगर आप ये सारी रेस जीत गए तो आपको इतना पैसा मिलेगा जितना IPL ऑक्शन में पैट कमिंस और मिशेल स्टार्क को मिलाकर नहीं मिला है। मैदान चलाने वाले अर्जुन रामपाल के मुताबिक विनिंग प्राइज मनी अमेरिका के प्रेसिडेंट की सैलरी से 300% ज्यादा और उनकी सैलरी से 300% कम है। कैसा लगा मेरा मजाक? अर्जुन भाई, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी होगी मैदान में तो हमको बताना, हम तुरंत से पहले अप्लाई कर दूंगा। खैर, इससे पहले कि मैं अपना रेज्यूमे ही यहां अपलोड कर दूं, आपको फिल्म की कहानी तो मोटा माटी समझ में आ ही गई होगी। एक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स का गेम शो है जिसमें जीतने पर मिलेगा एकदम अंधा पैसा और हारने पर मिल सकती है मौत। लेकिन फिल्म इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं है। विद्युत जामवाल का मैदान में जाने का भी एक अलग मकसद है, जो कि जीतना नहीं है। और अर्जुन रामपाल भाई भी इस गेम शो यानी मैदान को चलाने के अलावा एक साइड बिजनेस भी कर रहे हैं छुपकर। अब जाहिर सी बात है, छुपकर कर रहे हैं तो इलीगल ही बिजनेस होगा। लेकिन विद्युत जामवाल वहां क्यों गए हैं और अर्जुन रामपाल क्या करते हैं, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अब पहले बात कर लेते हैं फिल्म की अच्छी बातों की। फिल्म के दो मेन किरदार विद्युत जामवाल और अर्जुन रामपाल क्या बेहतरीन लगे अपने अपने शॉट्स। अर्जुन रामपाल तो ओम शांति ओम से ही नेगेटिव किरदार निभा रहे हैं, वहां उन्होंने शांति प्रिया को चैन से जीने नहीं दिया था और यहाँ वो विद्युत भाई के पीछे पड़े हैं। विद्युत भाई ने भी फिल्म का 60% एक्शन से भर दिया है, जो कि बढ़िया है क्योंकि वो इसमें बेस्ट है और नंबर वन है। लेकिन अगर फिल्म की कहानी की मैं बात करूं तो यहां पर थोड़ा सा हम डिसअपॉइंट हो गए भाई साहब, क्योंकि काफी एवरेज कहानी लगी, बल्कि मूवी के जो सब प्लॉट थे वो डालने की जरूरत ही नहीं थी। और डायलॉग का तो पूछो ही मत भाई साहब, जहां जहां विद्युत और नौरा स्क्रीन पर एक साथ आए हैं वहां के डायलॉग तो ऐसा लगता है जैसे इंटर्न से लिखवा दिया है। वैसे नौरा फतेही को पसंद करने वाले पहली बार उनको एक्टिंग करते हुए देखेंगे और फिर यही कहेंगे कि मैडम ओ नौरा जी आप डांसिंग ही किया करो। लेकिन एक्टिंग करने के बहाने आपको नौरा की आवाज सुनने को मिल गई होगी क्योंकि पहले मुझे ये लगता था कि नौरा नहीं बोल सकती थी, लेकिन इस फिल्म में आते ही बोलने लगी। खैर, जो लोग ये सोचकर ये फिल्म देखने नहीं जा रहे कि ये फिल्म स्क्विड गेम जैसी होगी, उनको मैं ये बता दूं, मैं क्या खुद संजू बाबा बताएंगे, संजू बाबा क्या ये फिल्म स्क्विड गेम की जैसी है क्या? नहीं देखा, खुद संजू बाबा ने बता दिया नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्क्विड गेम्स की जो कहानी है बहुत एंगेजिंग थी, यहां कहानी में क्रैक थोड़ी मात खा जाती है। लेकिन फिर भी अगर आपको टॉप क्लास एक्शन देखना है तो इस वीकेंड बेस्ट एक्शन आपको यही मिलेगा। जितनी रेस होती है उसमें भी पहली रेस मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है, बड़ी स्क्रीन पर देखोगे तो मजा आ जाएगा। अगर आपने देख लिया तो बताना मजा आया या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। अभी इस वीकेंड एक और फिल्म रिलीज हुई है, नाम है ऑल इंडिया रैंक, वो भी आज हम देखने जाएंगे और उसका रिव्यू कल इसी चैनल पर लेकर आएंगे। चैनल आप जरा सब्सक्राइब करके जाएंगे। हेलो, वीडियो पसंद आई हो जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो, जय हिंद।